चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करता हूं दोस्त। पर्यावरण अध्ययन के इस यहां पे वर्ष 2019 के इस आपके सिलेबस के अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मुलाकात करता हूं पर्यावरण शिक्षण अधिगम की विषय वस्तु के साथ या सिलेबस में पर्यावरण शिक्षण अधिगम के चैप्टर के साथ, जहां पे आज विस्तार से आपसे चर्चा किया जाएगा कि पर्यावरण शिक्षण अधिगम की विषय वस्तु क्या है, किस प्रकार से पर्यावरण में शिक्षण और अधिगम सहायक होता है और किन विधियों के माध्यम से आप शिक्षण अधिगम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आज आपसे बात करेंगे सीटेट के इस लेक्चर नंबर 4 में हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे हम आज पर्यावरण शिक्षण अधिगम पे दोस्त किसी भी विषय का में उसके शिक्षण में अधिगम जानने से पहले किसी भी विषय में उसके शिक्षण का अधिगम जानने से पहले ये आवश्यक होता है कि आप यह जान लें कि वास्तव में अधिगम किसे कहते हैं। और जब आप यह जान जाते हैं कि अधिगम किसे कहते हैं, तो आप आसानी से किसी भी विषय से कोरिलेट करके या किसी भी विषय से संबंधित करके आप उस विषय का उसे शिक्षण अधिगम मान सकते हैं। जिस प्रकार हमने आपको पर्यावरण शिक्षण के से पहले हमने आपको ये बात बताया हुआ था कि आपको पर्यावरण शिक्षण जानने से पहले ये जान लेना आवश्यक होता है कि शिक्षण क्या है, उसी तरह आज दोस्त यहाँ पर हम बात करेंगे कि अधिगम क्या है। तो हमें, चूंकि हम मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम किसी किताबी ज्ञान, किसी हम सैद्धांतिक ज्ञान पे नहीं जाएंगे, बल्कि एकमात्र व्यवहारिक लाइन पे ही हम बात करेंगे कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अधिगम किसे कहते हैं। तो अभ्यास एवं अनुभूति के परिणाम स्वरूप, अभ्यास एवं अनुभूति के, ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द है अभ्यास एवं अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन साहब क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमने बहुत स्पष्ट रूप से आपको अधिगम बताने का प्रयास किया कि अभ्यास एवं अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आगे की लाइन को मैं कनेक्ट करता हूँ कि यह परिवर्तन थकान, दवाखाने, बीमारी या इस प्रकार के किसी भी उद्दीपक के कारण ना हुआ हो। तो हम बात करते हैं कि अभ्यास एवं अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और यह परिवर्तन थकान, दवाखाने या बीमारी इत्यादि कारणों से ना हुआ हो। अब आपसे हम बात करते हैं अभ्यास की। अब आप यहाँ पे अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा या देखे होंगे कि कोई भी बालक जब सर्वप्रथम वह छोटा होता और साइकिल चलाना सीखने का प्रयास करता है, तो वह बालक सबसे पहले साइकिल को स्टैंड से उतारता है और उसे गिरा देता है साहब। फिर वह उतारता है, गिरा देता है, फिर उतारता है और उसे साइकिल उतार करके पकड़ना उसे आ जाता है। फिर वह क्या करता है? अगर आप थोड़ा सा गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो देसी टाइप की साइकिल होती है उसमें बीच में पैर डाल करके अंदर की तरफ चलाया जाता है, जिसको देहात में कैंची के नाम से जानते हैं। बालक उसमें पैर डाल करके चलाने का प्रयास करता है और गिर जाता है, और विभिन्न बार वह इस क्रिया को दोहराता जाता है और धीरे धीरे इस क्रिया के परिणाम स्वरूप बालक को उसमें पैर डाल करके चलाना आ जाता है। फिर वह अपने इस क्रिया को लगातार जारी रखता है
और इसी के परिणाम स्वरूप आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और निरंतर अभ्यास की क्रिया को जारी रखता है। और एक दिन क्या होता है कि उसको साइकिल के ऊपर बैठ करके उसको साइकिल चलाना आ जाता है। दोस्त, इस प्रकार की क्रिया को या इस प्रकार सीखे गए व्यवहार को हम अभ्यास की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात बालक के व्यवहार में वह जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हुआ वह अभ्यास के माध्यम से हुआ। कोई भी प्राणी अपने जीवन में या मानव 98 से 99% जो भी अधिगम करता है वह अभ्यास की क्रियाओं का परिणाम होता है या वह अभ्यास की क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। दोस्त, अब नेक्स्ट बात यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि अनुभूति शब्द क्या होती है। तो यहाँ पर आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा कि कुछ हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं या व्यवहार में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं। अच्छा, इसके पहले आप ये जान लीजिए कि जो बालक अभ्यास कर रहा था वो निरंतर क्रमिक परिवर्तन का परिणाम था। तो ये टाइम टेकन था, अर्थात अभ्यास में समय का लगना स्वाभाविक होता है। अर्थात जब भी कोई जीव अभ्यास के माध्यम से सीख रहा होगा तो निरंतर विकासात्मक दिशा में आगे बढ़ता हुआ रहेगा और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे टाइम टेकन होता है। लेकिन मानव जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, व्यवहार में कुछ ऐसे भी घटनाएँ सीखने को मिलती है जो बालक में या जीव में तुरंत या तात्कालिक परिवर्तन करते हैं और वो भी जीवन में स्थायी होता है। जैसे कोई गर्म भगोना है जिससे कि इतना गर्म भगोने में पानी भरा हुआ है जिससे कि भाप निकल रहा है और बालक उसे एक बार टच कर देता है और बालक में वो तुरंत परिवर्तन आ जाता है। बालक उसे बार बार टच करके अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता, बल्कि एक बार टच होने पर ही यह बात पता चल जाता है कि अब इसे दोबारा नहीं छूना है। और इसका परिणाम ये भी होता है कि अब अगर भगोना में ठंडा पानी भी रखा हुआ हो जिससे भाप निकल रहा हो तो बालक उसे भी छूने का प्रयास नहीं करता है। तो यहाँ पर अब इस प्रकार का जो अधिगम होता है 1 से 2% का अधिगम बालक के जीवन में अनुभूति के माध्यम से भी होता है। तो साहब, इसी बात को हम बताने का प्रयास किए हैं कि अभ्यास एवं अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इतनी बात। अब हम यहाँ पे उम्मीद रखते हैं कि आपको अधिगम स्पष्ट तौर पे एक व्यवहारिक नॉलेज के तहत व्यवहारिक ज्ञान हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अब हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण की। तो पर्यावरण शिक्षण के तहत जो शिक्षण अधिगम में आपके चैप्टर में सीखने का नियम समाहित किया गया है या आप सिलेबस पे जब ध्यान देंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे सीखने के नियम। तो दोस्त, यहाँ पे सीखने के नियम या जो सिद्धांत यहाँ पे प्रतिपादित किए गए हैं, इस नियम या सिद्धांतों में हम आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले दोस्त हम आएंगे कि पर्यावरण शिक्षण अधिगम में या पर्यावरण शिक्षण में पैवलाव के नियम का प्रयोग, पैवलाव के नियम का प्रयोग। दोस्त, यहाँ पर ध्यान देंगे कि पर्यावरण शिक्षण अधिगम में पैवलाव के नियम का प्रयोग। सबसे पहले शॉर्ट में हम आपको बताएंगे कि पैवलाव का नियम क्या है, उन्होंने किस पर प्रयोग किया। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि वातावरण में या पर्यावरण में कुछ ऐसे उद्दीपक होते हैं जो बालक के या व्यक्ति के या जीव के इच्छाओं पर अनुक्रिया के लिए निर्भर नहीं होते हैं। मतलब मैंने कहा कि वातावरण में कुछ ऐसे उद्दीपक विद्यमान होते हैं जो जीव में अनुक्रिया के लिए बालक या मनुष्य के इच्छाओं पर नहीं निर्भर करते, बल्कि उनकी तीव्रता जीव को स्वतः ही अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कांटे पर पैर का पड़ना और पैर का स्वतः उठ जाना। दोस्त,
कांटे पर आपका पैर पड़ेगा, कभी आपसे पूछेगा नहीं कि पैर, कभी नहीं पूछेगा कि उठूं या ना उठूं। गर्म बर्तन में आपके हाथ का स्किन का कहीं पे टच होना और स्किन का अचानक हट जाना, ये आपकी इच्छा पर नहीं निर्भर करता, बल्कि ये स्वतः ही होने वाली क्रियाएं हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट होता है कि वातावरण में कुछ ऐसे उद्दीपक होते हैं जो कि स्वाभाविक होते हैं, उस पे किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं का जोर नहीं होता। पहलाव साहब इसको कहते हैं UCS, अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक, फुल फॉर्म होगा अनकंडीशन स्टिमुलस। उन्होंने कहा कि जब यह आता है तो प्राणी इसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता हुआ पाया जाता है, अनकंडीशंस रिस्पांस या स्वाभाविक अनुक्रिया इसे कहते हैं। जैसे कांटे पर पैर पड़ना एक स्वाभाविक उद्दीपक है और व्यक्ति का पैर उठा लेना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो दोस्त यहाँ पे पहलाव साहब ने एक प्रयोग किया, शार्ट में बताएंगे कि उन्होंने एक स्टैंड में कुत्ते को बांधा, कुत्ता भूखा था, अर्थात उस पर प्रयोग करने के लिए कुत्ते को भूखा रखा था, उसको एक बेल्ट या एक स्टैंड के सहारे इस तरीके से बांधा कि कुत्ता हिलडुल नहीं सकता था। आपको बता दें कि IP पहलाव साहब पहले एक शरीर वैज्ञानिक या एक डॉक्टर थे और उनको PhD का विषय ही मिला था लार्मेय स्राव अनुबंधन पर अध्ययन करना। तो उन्होंने कुत्ते के इस ग्लैंड, जो लार स्राव का ग्लैंड था, उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया और कुत्ते को स्टैंड के सहारे उन्होंने क्या किया, बांध दिया। अब उनको यहां पे दो बातें देखनी थी कि उसके सामने उन्होंने UCS अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक के तौर पे, चूंकि कुत्ता भूखा था तो भोजन उसके लिए स्वाभाविक उद्दीपक हुआ और भोजन को देख करके स्वतः ही लार आ जाता है, तो ये लार उन्होंने क्या हुआ, वहां पे स्वाभाविक अनुक्रिया थी। अब उन्होंने ये बताया कि स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात जैसे यहाँ पे भोजन था UCS, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ कोई अनुबंधित उद्दीपक साथ सहचरित करके प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी उसके प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करेगा जैसा वह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक और बात बताई कि स्वाभाविक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक, उन्होंने अनुबंधित उद्दीपक के तौर पे घंटी लिया था, तो उन्होंने बताया कि संयोजन के क्रम में एकदम मिली सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, अर्थात कुत्ता उसमें भेद न कर पाए कि घंटी बजी और भोजन आ गया। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा उसके सामने गया तो उसके प्रति भी उसने लार स्राव किया। अब लगातार जब कुछ प्रयासों तक ये घटना एक साथ सहचरित करके प्रस्तुत की गई तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि केवल घंटी ही बजाई गई और कुत्ते ने क्या किया, लार स्राव कर दिया। तो यहां पर आप इस बात को ध्यान देंगे कि उसने क्या किया कि घंटी की आवाज पर ही उसने ये समझ लिया कि अब हमें भोजन मिलेगा और उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया वाली यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पर इस थियरी का प्रयोग तो मनोविज्ञान में होता है तो हम इसको कुछ ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम यहाँ पर यह जानेंगे कि इस पहलाव के नियम का प्रयोग पर्यावरण का शिक्षक कैसे कर सकता है। तो इसके लिए साहब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पहलाव के नियम का प्रयोग पर्यावरण का शिक्षक को आवश्यक रूप से शिक्षण अधिगम के दौरान करना चाहिए। एक पर्यावरण शिक्षक को चाहिए कि वह अपने प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व, आपको ये पता होगा कि आप जब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे तो अपनी टीचिंग में कोई भी प्रकरण पढ़ाने से पहले आप उस प्रकरण से संबंधित उद्देश्यों को तैयार कर रहे थे। तो एक पर्यावरण शिक्षक को चाहिए कि वह अपने समस्त प्रकरणों का उद्देश्य निर्धारित करते समय यह
अलग कर दे कि कौन सा प्रकरण बालक के लिए कठिन है और कौन से प्रकरण में शिक्षण अधिगम सरलता से किया जा सकता है। और यहाँ पे जिस तरीके के साहचर्य की बात किया गया और यहाँ पर कुत्ते ने इस साहचर्य के परिणाम स्वरूप अनुकरण करता हुआ पाया गया, तो हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि बालक या कोई भी जीव है उसे आप पर्यावरण के द्वारा या पर्यावरण के माध्यम से या पर्यावरण के विषय में आप जो शिक्षा प्रदान करते हैं अर्थात तो बालक को उसके पर्यावरण से परिचित कराते हैं, तो आप ऐसे चैप्टर के साथ जिसमें बालक सहजता का अनुभव करता है, ऐसे चैप्टर के साथ कठिन चैप्टर को कई टुकड़ों में विभाजित करते हुए ऐसे साहचर्यित करके प्रस्तुत करिए कि वह उस कठिन प्रकरण या उस कठिन चैप्टर के प्रति भी बालक क्या करे, सहजता का अनुभव प्रदर्शित कर पाए। तो यहाँ पे हमने आपको ये बात बताया कि एक पर्यावरण शिक्षक को पैवलाव के नियम के तहत यह ध्यान देना चाहिए कि सर्वप्रथम आपको शिक्षण अधिगम से पूर्व उसके सभी चैप्टर्स को सभी पाठों को एक क्रमबद्ध ढंग से विश्लेषण करना चाहिए और ऐसा देखना चाहिए कि वे कौन से प्रकरण हैं जो बालक को उसके वातावरण में सहजता के साथ आसानी से अधिगम क्रिया में प्रेरित करेंगे और वे कौन से प्रकरण हैं जो बालक को इस प्रकार के उसके वातावरण में शिक्षण अधिगम के दौरान कठिनता होगी या वह थोड़ा सा वहाँ पे कठिनाई का अनुभव करेगा। ये एनालिसिस कर लेने के बाद पर्यावरण शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसे प्रकरण को जो जिसमें बालक सहजता का अनुभव नहीं करता है उसके प्रकरण को कई खंडों में विभाजित करके ऐसे प्रकरण जिसमें वो सहजता का अनुभव कर रहा है के साथ उसके वातावरण के सहजता वाले जो उनके वातावरण में आसानी से उद्दीपक उपलब्ध हो उसके साथ संयोजित करके बालक के सामने ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि बालक उन कठिन प्रकरण को सहजता वाले प्रकरणों के साथ आसानी से समझ पाए, आसानी से वह क्या कर पाए उसके प्रति अपनी समझ को विकसित कर पाए। साहब एक बात और यहाँ पे जान लेंगे, किसी भी थियरी किसी भी नियम को जाने जवाब तो वहाँ पे उसकी आलोचना आपको जाननी होगी कि यहाँ पे पैवलाव के नियम की आलोचना क्या है और ये जानना आपके लिए आवश्यक भी होता है। तो साहब आप यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा आलोचनाओं के क्रम में, क्योंकि आपकी समझ और सीटेट हमेशा समझ का ही परीक्षण करता है, तो यहाँ पे आपके समझ के लिए आवश्यक है कि पैवलाव के नियम की क्या आलोचना होगी। यदि आलोचना की बात करें तो साहब आप ध्यान दीजिएगा या गौर फरमाइएगा कि पैवलाव जब कुत्ते को एक ऐसे बेल्ट और स्टैंड से बांध रहे थे जिसमें कुत्ता ना तो हिलडुल सकता था ना किसी प्रकार की अनुक्रिया कर सकता था, तो ऐसी दशा में कुत्ते का व्यवहार साहब नियंत्रित ढंग का हो जाता या वह नियंत्रण को महसूस करता है और उसका जो व्यवहार होता है वो कृत्रिम हो जाता है। तो ऐसी दशाओं में जो अगर यदि किसी प्राणी को अगर समान अवस्था में रख करके आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो स्वाभाविक या स्वाभाविक वातावरण में या स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन नहीं हो पाता, बल्कि बालक के कृत्रिम व्यवहार का अध्ययन या सीखने का वह कृत्रिम व्यवहार से वह सीख पाता है। तो दोस्त यहाँ पर हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण शिक्षण अधिगम के तहत आज हमने अधिगम की परिभाषा को विस्तार से जाना और बहुत ही सहजता और व्यवहारिक तरीके से और बात की आज पैवलाव के नियम के प्रयोग की, और यहाँ से हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि अब यहाँ से बनने वाले सीटेट का कोई भी प्रश्न होगा अगर आपके पर्यावरण अध्ययन में बनेगा तो आप इसे सहजता से कर पाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में शिक्षण अधिगम के नेक्स्ट नियम के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू।